That is the only option you have. अगर भाई को बचाने का यही एक तरीका है तो यही सही। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम फॉर यू आर चैनल एवी बॉक्स ऑफिस। तो दोस्तों आज के दिन हम बात करने जा रहे हैं इमरान हाशमी की हॉरर थ्रिलर फिल्म डे बुक के बारे में, और दोस्तों आपको बताएंगे कि ये फिल्म अपने पहले दिन कमा रही है कितने करोड़ रुपए, साथ ही साथ फिल्म का बजट कितना है, और दोस्तों फिल्म को अमेजोन प्राइम ने कितने में खरीदा है, वहीं पर दोस्तों ये फिल्म रिलीज होने के पहले कितने करोड़ के प्रॉफिट में चल रही है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि बॉलीवुड के और भी अपडेट आप तक पहुंच पाए शुद्ध हिंदी में सबसे पहले। दोस्तों अगर हम बात करें इमरान हाशमी की हॉरर थ्रिलर फिल्म डे बुक की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म को डायरेक्ट करा है जय के ने और फिल्म को प्रोड्यूस करा है टी सीरीज कंपनी ने। दोस्तों अगर बात करें फिल्म के बजट की, तो फिल्म का बजट है 38 करोड़ रुपए और फिल्म को अमेजोन प्राइम ने 45 करोड़ के बजट में खरीदा है। इस फिल्म को रीमेक बताया जा रहा है 2017 में आई फिल्म एजरा का, और दोस्तों यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म है। वहीं पर दोस्तों अगर बात करें कि यह फिल्म हम सबके बीच में रिलीज होने से पहले कितने करोड़ रुपए का मुनाफा कमा चुकी है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फिल्म को अमेजोन प्राइम ने खरीदा है 45 करोड़ रुपए में। वहीं पर फिल्म के म्यूजिक राइट्स भी गए हैं 4 करोड़ रुपए में, सैटेलाइट राइट्स भी गए हैं 6 करोड़ रुपए में, और दोस्तों इस फिल्म के थिएट्रिकल राइट्स भी गए हैं 8 करोड़ रुपए में, जिसके चलते इस फिल्म का टोटल कलेक्शन हो चुका है 59 करोड़ रुपए। तो सोचिए आप, जहां पर फिल्म का बजट है 38 करोड़ रुपए और फिल्म ने 59 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया, यानी कि दोस्तों फिल्म रिलीज होने से पहले ही सुपर हो चुकी है। पर दोस्तों अब हमको देखना यह है कि यह फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पे कितना कलेक्शन करती है। पर दोस्तों जिस तरीके से ऑडियंस का प्यार देखने के लिए मिला, ट्रेलर को अच्छे खासे व्यूज देखने के लिए मिले, उससे कहना गलत नहीं होगा कि यह फिल्म अपने पहले दिन 10 से 12 करोड़ रुपए की ओपनिंग ले सकती है। वैसे आपके ओपिनियन क्या है कि यह फिल्म अपने पहले दिन कितने करोड़ की ओपनिंग लेगी, 5 करोड़, 6 करोड़ या फिर 10 करोड़? हमें अपनी ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।